नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। तो जैसे कि सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे स्कूल में भी और कॉलेज में भी कि दिवाली की छुट्टियां होगी इस बार, तो इस बार होगी दिवाली की छुट्टियां। कितने दिन की होगी, कब से होगी, कब ख़त्म होगी और कितने दिन की होगी, ठीक है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो छुट्टियाँ पड़ चुकी है आपको दिवाली की, अब मैं बताता हूँ कब से पड़ी है और कब तक ख़त्म होगी, कितने दिन की पड़ी है, दोनों स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है। हिमाचल, दिवाली पर 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, शिक्षा विभाग ने घोषित की छुट्टियाँ। तो स्कूल में भी दिवाली पर छुट्टियाँ रहेंगी और कॉलेज में भी छुट्टियाँ रहेंगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी व निजी कॉलेजों के अलावा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूल 6 दिन तक बंद रहेंगे, यानी कि 6 दिन के लिए आपकी छुट्टियाँ होंगी कॉलेज और स्कूल में। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी स्कूलों व कॉलेजों में 1 से 6 नवंबर तक दिवालियों की छुट्टियां घोषित कर दी है, यानी कि 1 नवंबर से 6 नवंबर तक आपके स्कूल और कॉलेज में दिवाली की छुट्टियां घोषित हो चुकी है, ठीक है, 1 नवंबर से और 6 नवंबर तक। इस संबंध में सभी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपलों, उप शिक्षा निदेशकों व स्कूल मुख्याध्यापकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, प्रदेश में 27 सितंबर से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूल खोले गए हैं। ये तो आपको पता ही कि 27 सितंबर से 10वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए हैं, उनकी रेगुलर क्लासेस लग रही हैं। वहीं कॉलेजों में भी 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगा जा रही हैं, और ये भी आपको पता है कि 1 सितंबर से कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं लग रही है, रेगुलर लग रही है। इसके अलावा 11 अक्टूबर से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएँ भी शुरू हो गई है, और इसके बाद जो 11 अक्टूबर से 8वीं कक्षा के भी रेगुलर स्कूल ओपन हो गए थे। कोरोना के चलते स्कूलों में प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियों पर रोक है। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी और खेलकूद गतिविधियाँ नहीं होगी कोरोना की वजह से। विद्यार्थियों को स्कूलों में उचित शारीरिक दूरी बनाते हुए अलग अलग डेस्क पर बैठाने की व्यवस्था की गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। एक डेस्क छोड़कर विद्यार्थियों को बिठाया जा रहा है स्कूलों में। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया गया, फेस मास्क पहनना अनिवार्य रहा। अब 1 से 6 नवंबर तक स्कूल कॉलेज बंद होंगे, यानी कि आपकी दिवाली की छुट्टियां होगी 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, 1 हफ्ते के लिए आपके लिए छुट्टियां हैं दिवाली की, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, ठीक है। अभी मत कहीं जाइए, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कि जैसे कि आज SOS का रिजल्ट आया 12th क्लास का, तो SOS विद्यार्थियों के लिए अंक सुधार परीक्षा करवाएगा शिक्षा बोर्ड। तो सुन लीजिए, इसे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आगामी 17 मार्च 2022 में SOS अभ्यर्थियों के लिए अंक सुधार की परीक्षा करवाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने SOS की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण की तिथियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 1 नवंबर से अभ्यर्थी SOS में 8वीं, 10वीं और जमा 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे, ठीक है। जो ये ऑनलाइन पंजीकरण है वो 1 नवंबर से करवा सकते हैं 8वीं SOS में 8वीं, 10वीं और जमा 2 के विद्यार्थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड की ओर से SOS के अंतर्गत मार्च 2022 में करवाई जाने वाली 8वीं, 10वीं और जमा 2 कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रेश एडमिशन और री अपीयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और एडिशनल विषय के लिए बिना विलंब फीस के 1 से 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है, यानी कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको आवेदन करना पड़ेगा SOS 8वीं 10वीं के लिए, अगर आपने कोई अंक सुधार के लिए पंजीकरण करना है, ठीक है। वहीं ₹500 विलंब फीस के साथ 1 से 15 दिसंबर और ₹1000 विलंब फीस के साथ 16 से 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा 17 मार्च 2022 के लिए SOS के अंतर्गत 8वीं, 10वीं और जमा 2 कक्षाओं के लिए PCP कक्षा लगेगी, जिसके लिए भी तिथियों का निर्धारण हो गया है, और फ्रेश एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन और एडिशनल विषय वाले आवेदनकर्ता की 17 मार्च 2022 की, PCP कक्षाएं 3 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2020 के बीच में होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथियों के बाद कोई भी आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
तो डेट के अंदर ही आपने आवेदन कर लेना है, लेट नहीं करना है, ठीक है। और दिवाली की छुट्टियां पड़ गई, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक एक हफ्ता पूरा आपको छुट्टियां हैं, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। तो छुट्टियां मनाइए, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। पटाखे फोड़ने हैं ठीक है, पर ज़्यादा हाई लेवल वाले पटाखे नहीं फोड़ने। खाना है, मिठाई खानी है, घर को साफ करना है, सुरक्षित करना है ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करना है ठीक है, घर को नहीं अपने आप को सुरक्षित रखना है ठीक है। कोरोना से भी बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है ठीक है, उचित दूरी बनाए रखनी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। आनंद कीजिए और मनोरंजन के साथ पढ़ाई भी करें ठीक है। जैसे कि आपके 6 दिन की छुट्टियां हैं ना, तो उसमें पढ़ाई भी करें और एंटरटेनमेंट भी करें और दिवाली भी बनाएं अपने परिवार के साथ। तो फिर से हार्दिक एडवांस में आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दीजिए यार, लाइक नहीं करोगे तो चलेगा कैसे। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस खुशी के बारे में पता लग सकें ठीक है। जब आप सेंड करेंगे उन्हें, उन्होंने एकदम देखना है भाई छुट्टियां पड़ गई दिवाली की, तो एकदम देखेंगे वीडियो ठीक है। तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर लिंक स्टेटस डाल दीजिए, फेसबुक भी आप चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, सब कुछ आप चलाते तो हैं सोशल मीडिया पर, तो जहाँ भी लगे वहाँ शेयर कर दीजिए। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ आ रही है ठीक है, उसको उसकी वीडियो भी कल परसों तक गुड न्यूज़ आ जाएगी वो क्या है ठीक है। और जो माई क्यू एन ए वीडियो है, माई फर्स्ट, वो भी आपको जल्द मिलेगी, या शायद जब छुट्टियाँ होगी तब मिल सकती है, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं लगेगा ना, तो शायद 1 तारीख के बाद भी आ सकती है और कल भी आ सकती है क्यों नहीं, कुछ पता नहीं है ठीक है। और गुड न्यूज़ तो आएगी कल या परसों तक, तो आ ही जाएगी गुड न्यूज़ ठीक है, खुद आपको पता लग जाएगा ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।